टॉपिक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सोहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास है बीकम पार्ट टू और उसका चैप्टर है डिबेंचर्स बॉन्ड्स एंड टीएफसीज। आज हम प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व करेंगे। व्हाट जनरल एंट्रीज विल बी इन द फॉलोइंग केसेस। अ कंपनी इशूड रुपीज 9,009% डिबेंचर्स एट पार रिडीमेबल एट पार। अ कंपनी इशूड 90,009% डिबेंचर्स एट डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट पार। अ कंपनी इशूड 90,009% डिबेंचर्स एट प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल एट पार। अ कंपनी इशूड रुपीज 90,009% डिबेंचर्स एट पार रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। अ कंपनी इशूड रुपीज 90,009% डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। तो ये हमारे पास केसेस हैं, हमने इनकी जनरल एंट्रीज पास करनी है। जब रिडीम करने हों पार पे और इशू हुए हों पार पे तब एक ही एंट्री हम पास करते हैं और वो एंट्री होती है बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार रुपीज 90,000 डेबिट एंड 90,000 क्रेडिट। नेक्स्ट है हमारे पास इशू कर रहे हैं 10% डिस्काउंट पे रिडीमेबल हैं पार पे, तो हम एंट्री पास करेंगे बाय बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। 10% डिस्काउंट है तो हम एंट्री करें इसका 10% लेंगे 90,000 का में से हम लेस करेंगे 9,000 तो हमारे पास 81,000 जो है बैंक में पैसे आएंगे और 9,000 डिस्काउंट ऑन इशुएंस उसकी मद में चले जाएंगे और 90,000 से डिबेंचर्स क्रेडिट होंगे। एंट्री पास करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट 81,000 से डिस्काउंट अकाउंट डिस्काउंट ऑन इशुएंस अकाउंट डेबिट 9,000 से एंड डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 90,000 से। नरेशन हम इसकी देंगे बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। सी वाले केस में हमें वो बता रहा है अ कंपनी इशूड रुपीज 90,009% डिबेंचर्स एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। हम प्रीमियम की कैलकुलेशन कर लेंगे 5% प्रीमियम है 90,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05 तो हमारे पास 4,500 प्रीमियम की अमाउंट आ गई। बैंक में पैसे आएंगे 94,500 बैंक में पैसे आएंगे डिबेंचर्स क्रेडिट होंगे 90,000 से और प्रीमियम ऑन इशुएंस क्रेडिट हो जाएगा 4,500 से। हम एंट्री पास करेंगे बाय बैंक अकाउंट डेबिट 94,500 डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 90,000 से प्रीमियम ऑन इशुएंस हमारे पास है 4,500। नोटेशन हम इसकी लिखेंगे बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। सेकेंड लास्ट है हमारे पास अ कंपनी इशूड रुपीज 90,009% डिबेंचर्स एट पार एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। पार पे इशू किए जा रहे हैं लेकिन प्रीमियम पे हमने रिडीम करने हैं, तो जब प्रीमियम पे रिडीम करने हों तब हम उसे इशू के टाइम भी अपना लॉस शो करते हैं। जब 10% प्रीमियम है यानी कि 9,000 रुपीज़ हमारे पास प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी होगा और लॉस ऑन इशुएंस भी होगा। हम एंट्री पास करेंगे बाय बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशुएंस अकाउंट डेबिट डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट क्रेडिट। बैंक में पैसे आएंगे 90,000 जब हम पार पे इशू करेंगे, डिबेंचर्स भी 90,000 से क्रेडिट होंगे। जो प्रीमियम हमने देना है रिडम्पशन के टाइम 9,000 रुपीज़ उसको हमने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया, क्रेडिट कर लिया। अब एंट्री को हमने बैलेंस करने के लिए लॉस ऑन इशुएंस के नाम से 9,000 रुपीज़ यहाँ रिकॉर्ड कर लिए। एंट्री हमने की बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशुएंस अकाउंट डेबिट डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट क्रेडिट बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। लास्ट वन है अ कंपनी इशूड रुपीज 90,009% डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। 5% डिस्काउंट पे इशू किए जा रहे हैं और
5% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। यानी कि एक तो लॉस हो रहा है इश्यूएंस के टाइम और दूसरा लॉस होगा जब इनको रिडीम किया जाएगा। तो हम दोनों को रिकॉर्ड करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 85,500 से, लॉस ऑन इश्यूएंस अकाउंट 9,000, डिबेंचर्स अकाउंट 90,000 से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 4,500 से। ये 9,000 इसलिए है, एक 4,500 रुपीस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है और दूसरा लॉस ऑन इश्यूएंस जो कि हमने डिस्काउंट पे इशू किए थे। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो ये हमारे पास डिस्काउंट था और यही अमाउंट हमारे पास प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। तो इन दोनों को हमने ऐड करके तो लॉस ऑन इश्यूएंस के नाम से एक नया अकाउंट इधर ऐड कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट 85,500 से, लॉस ऑन इश्यूएंस 9,000, डिबेंचर्स अकाउंट 90,000 एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 4,500। बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये इसकी हम नरेशन देंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए इलम सीखो और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। शुक्रिया नाज़रीन।